सोहागपुर क्षेत्र में जुलाई माह में हुई अच्छी बारिश और वर्तमान में रिमझिम बारिश के जारी दौर के चलते किसानों को धान की अच्छी फसल आने की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों से फसल उत्पादन के आंकड़ों में कुछ हद तक पिछड़े सोहागपुर क्षेत्र के किसानों को इस वर्ष राहत की उम्मीद थी, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे वाले मैदानी क्षेत्रों में जंगली सुअरों ने न सिर्फ धान उत्पादन पर संकट के आसार खड़े कर दिए हैं, बल्कि किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी है। देखने में आ रहा है कि लगातार बड़े बड़े झुंड के रूप में जंगली सुअर धान के खेतों में घुस जाते हैं और रात को फसल का बड़ा हिस्सा चौपट कर अगले खेतों की ओर बढ़ जाते हैं। सोहागपुर में जंगली सुअरों के खेतों में लगातार आक्रमण से किसानों की चिंता बढ़ गई है। टाइमेड मध्य प्रदेश से चर्चा में सोहागपुर ब्लॉक के ग्राम सोनसार खेड़ा के किसान देवेंद्र पटेल ने बताया कि पिछले पखवाड़े भर से जंगली सुअर बहुत परेशान कर रहे हैं। प्रतिदिन रात में 10 बजे पटेल को खेत जाना पड़ता है और रात भर वे जंगली सुअरों को खेतों से भगाने का काम करते हैं। तब कहीं जाकर स्थिति बनी है कि जंगली सुअर कौन से फसल सुरक्षित रह पाए। पटेल ने चर्चा में बताया कि सोनसार खेड़ा सहित आसपास के दर्जनों गांव में किसान इस स्थिति से परेशान हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सोहागपुर से अमित बिल्लौरी की रिपोर्ट।